हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप का स्क्वाड इस बार एशिया कप के स्क्वाड का रिफ्लेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में वही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे जो इस बार के एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसलिए इस बार एशिया कप का स्क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 तारीख को जब सेलेक्टर्स सेलेक्शन के लिए बैठेंगे तो उनके सामने मिडिल ऑर्डर के वो सवाल अभी भी होंगे कि आपका मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन है और आप मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे और फाइनल 15 क्या होंगे। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कि वो 15 खिलाड़ी कौन से होंगे जो एशिया कप का हिस्सा होंगे और साथ में आपको वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टॉप 3 की, जो खिलाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली और उनके साथ शुभमन गिल, ये 3 खिलाड़ी अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं। और टीम इंडिया की प्रॉब्लम शुरू होती है नंबर 4 से, और उसको लेकर के जो अभी भी पेच फंसा हुआ है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अगर फिट नहीं होते हैं तो उस केस में क्या होगा। अभी जो सूरत हाल है उसमें ईशान किशन आपके नंबर 4 के बैट्समैन होने चाहिए, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह से उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में इस्तेमाल किया और एज ए ओपनर तैयार करने की कोशिश दिखाई दी, तो ऐसा लग रहा है कि टीम शायद उनको एज ए ओपनर देख रही है। तो क्या ऐसे में रोहित शर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे? मुझे लगता है कुछ इसी तरह का डिसीजन 2007 में सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था, जब ग्रेग चैपल ने उनको 4 नंबर पर बल्लेबाजी कराई थी और वो डिसीजन आज भी इंडियन क्रिकेट फैंस को एक बुरे सपने की तरह याद आता है। तो इसलिए उस तरह का चेंज आपको बैटिंग ऑर्डर में नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, रोहित शर्मा जो वनडे क्रिकेट में प्लेयर बने, वो प्लेयर ही इसलिए बने कि उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर जाकर के बल्लेबाजी की, एज ए ओपनर बैटिंग करने से ही उनका करियर पूरी तरह से चेंज हुआ। सो वो अभी भी चैलेंज उनके लिए हो सकता है मिडिल ऑर्डर में खेलना जो पहले हुआ करती थी। हालांकि आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि ओवर द इयर्स क्रिकेट खेलने के बाद अब उनके पास वो एक्सपीरियंस है मिडिल ओवर्स में कैसे गेम चलाना है, वो आइडिया उनको बेहतर है, गेम सेंस उनको ओवरऑल बेटर है और उनके जैसे बल्लेबाज का बीच में होना टीम को बेनिफिट कर सकता है। लेकिन रोहित शर्मा पर्सनली क्या सोचते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर रोहित शर्मा को लगता है कि मुझे इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको यंगस्टर्स को उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जिस काम को वो आसानी से कर सकता है, तो रोहित शर्मा इस तरह का भी डिसीजन ले सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप समझ लें तो टॉप 4 बल्लेबाज आपके यही होने वाले हैं, जिसमें आप ईशान किशन को भी इंक्लूड कर दीजिए, भले ही वो ओपन करेंगे या नंबर 4 खेलेंगे, इस सवाल का जवाब देना अभी की रहेगा। नंबर 5 पर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, ये इंटेंट साफ दिख गई है कि हार्दिक पांड्या नंबर 6 नहीं खेलना चाहते, वो टीम में ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, ज्यादा बड़ा रोल चाहते हैं, इसलिए उनका प्रमोशन एक नंबर ऊपर जरूर होगा और वो 5 नंबर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। जब 6 नंबर की बात आएगी तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव ही आपके नंबर 6 होंगे, जो टीम की तरफ से कम्युनिकेशन में भी देखने को मिला, सूर्य कुमार यादव ने अपने इंटरव्यू में भी बोला और जो ओवरऑल चीजें देख करके समझ में आ रही हैं, सूर्य कुमार यादव आपके नंबर 6 के बल्लेबाज होने वाले हैं। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 8 पर शरदुल ठाकुर, जिस तरह का रोल उन्होंने वेस्टइंडीज की सीरीज में प्ले किया उस तरह के रोल की उम्मीद और ज्यादा की जाएगी, बट इन सर्टेन कंडीशंस आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा, लाइक आप चेन्नई खेलेंगे, आप दिल्ली खेलेंगे या इस तरह के विकेट्स पर जब आप खेलेंगे जहां पर स्पिनर्स के लिए मदद होगी, सो वहां पर आप शरदुल ठाकुर की जगह पर एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जरूर रखना चाहेंगे। नंबर 9 पर बात की जाए तो कुलदीप यादव होंगे, नंबर 10 पर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह होंगे, नंबर 11 पर बात की जाए तो मोहम्मद सिराज होंगे। अब बच गई बैकअप्स की बात और एक नाम जो पिछले कुछ वक्त से चर्चा में रहा है वो नाम रहा है तिलक वर्मा का। अगर तिलक वर्मा को इस स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है तो वो बैटिंग कहाँ करेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इन केस अगर हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर चले भी जाएं तो भी आप ईशान किशन और तिलक वर्मा को साथ में शायद नहीं डालना चाहेंगे। इन दैट केस ये भी बड़ा सब्जेक्टिव होगा, अगर रोहित शर्मा इन मिडिल ऑर्डर खेलते हैं तो शायद रोहित शर्मा 4 और तिलक वर्मा 5 नंबर खेल सकते हैं, वो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और सिनारियो है जो तिलक वर्मा के लिए 11 में जगह बना सकता है कि तिलक वर्मा 4
केएल राहुल 5 और हार्दिक पांड्या 6। ये सिनारियो हो सकता है, लेकिन ये सारा डिपेंड करने वाला है कि केएल राहुल फिट हो पाएंगे या नहीं। सो केएल राहुल अगर फिट होंगे तो उनकी जगह जरूर बन सकती है और शायद टीम में 11 के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। इन केस अगर श्रेयस अय्यर फिट होते हैं तो श्रेयस अय्यर के लिए भी वो जगह आपको बनानी पड़ेगी कि 5 नंबर के प्लेयर आपके श्रेयस अय्यर होंगे, लेकिन उस केस में फिर तिलक वर्मा आपकी 11 का हिस्सा नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए होगा और वो विकेट कीपर फिर आपको टॉप 4 में ईशान किशन को रखना ही पड़ेगा। सो 12वें प्लेयर तो आपके तिलक वर्मा होंगे और उसके बाद श्रेयस अय्यर की जगह अगर बनती है तो श्रेयस अय्यर या केएल राहुल, और इसमें बड़ा सब्जेक्टिव रहेगा कि इनकी फिटनेस क्या है और क्या दोनों खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जा सकता है या एक खिलाड़ी को सेलेक्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो ज्यादा फिट है उसकी तरफ सेलेक्टर्स को जाना चाहिए और दोनों को एक साथ आपको नहीं लेके आना चाहिए, बिकॉज दोनों ही इंजरी से वापस आ रहे हैं और दोनों की फिटनेस और फॉर्म आपको अभी पूरी तरह से पता नहीं है। तो एक पर तो शायद आप फिर भी दांव लगा सकते हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ियों पर आप दांव नहीं लगाना चाहेंगे। तो ऐसे में 13वां खिलाड़ी मेरे लिए श्रेयस अय्यर या केएल राहुल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। 14वें खिलाड़ी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी होंगे, क्योंकि आपको एक फास्ट बॉलिंग का बैकअप और चाहिए होगा और आपकी टीम के 5वें तेज गेंदबाज आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। लेकिन उसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन बचता है 15वें खिलाड़ी का। अक्षर पटेल आपकी टीम के अराउंड बहुत वक्त से हैं और अभी तक ये अजम्पशन थी कि अक्षर पटेल आपके वो 8 नंबर के स्पॉट के प्लेयर भी हैं, आपकी टीम के तीसरे स्पिनर भी हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस लाइक आप चेन्नई खेलेंगे, आप दिल्ली खेलेंगे, आप लखनऊ खेलेंगे, तो शार्दुल ठाकुर की जगह पर आपके लिए अक्षर पटेल खेलेंगे। लेकिन अगर आप सिनारियो समझें तो आपकी टीम में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलरेडी मौजूद है, बाकी आपको चाहिए क्या हो सकता है, आपको चाहिए हो सकता है एक ऑफ स्पिनर। और चूंकि अक्षर पटेल हर मैच खेलने वाले नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप समझें आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत इन सर्टेन गेम्स कुछ ज्यादा हो सकती है। सो टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 15वां खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को रखते हैं तो आपकी ओवरऑल गेंदबाजी ज्यादा वर्सेटाइल नजर आएगी, आप सारे बेसिक्स कवर करते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाजी में दोनों के कोई बड़ा अंतर नहीं है और गेंदबाजी में अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे स्पेशली 50 ओवर में तो वॉशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई हुई है। सो ये बहुत ट्रिकी डिसीजन रहेगा कि आप 15वां खिलाड़ी अक्षर पटेल की तरफ जाते हैं या वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जाते हैं। शायद मेरी चॉइस रहेगी कि आप वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जाइए, उनकी जो फिटनेस के इश्यूज थे वो उन्होंने रेक्टिफाई कर लिए हैं, फॉर्म उन्होंने TNPL में खेल करके दिखाई है, देवधर ट्रॉफी का हिस्सा वो थे, वहां पर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और साउथ जोन के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में करके दिखाई है, तो वो अभी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो गए, तैयार हो गए, तो उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। और उनके सिलेक्शन से ये जरूर होगा कि आपके स्क्वाड में जो ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा था वो ऑफ स्पिनर भी आपको मिल जाएगा, वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी आपको मिल जाएगा और वो गेंदबाजी आपकी वर्सेटाइल नजर आने लग जाएगी। ऐसे में आपको रिजर्व खिलाड़ियों की भी बात रहेगी, चूंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, अगर इनकेस जडेजा इंजर्ड होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो अक्षर पटेल स्ट्रेट अवे उनको रिप्लेस कर सकते हैं, आप उनको रिजर्व में रख सकते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर में आप प्रसिद्ध कृष्णा को रख सकते हैं जो अभी रिकवरी कर रहे हैं और इंडिया की ODI की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बहुत लंबे टाइम से थे। उमरान मलिक भी आपके रिजर्व के प्लेयर हो सकते हैं और साथ में अक्षर पटेल की बात मैंने की, और अगर केएल राहुल फिट नहीं होते हैं तो संजू सैमसन भी आपके रिजर्व विकेट कीपर के रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि टीम को एक ही विकेट कीपर के साथ जाना पड़े जिस तरह का सिनारियो बन रहा है। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि प्लेयर्स की फिटनेस का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों मेरी 15 क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल या श्रेयस अय्यर में से मैं एक को रखूंगा, मोहम्मद शमी और वॉशिंगटन सुंदर। अनफॉर्चुनेट कॉल फॉर अक्षर पटेल, बट आपको टीम के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा हार्श कॉल जरूर लेना पड़ेगा। ये थी मेरी 15, आप सब अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।